बालों की चोटी काटने की गुत्थी अभी सुलझी भी नहीं थी कि अब मेनपुरी के भोगाव क्षेत्र में हुई चोटी काटने की घटना को लेकर सभी को स्तब्ध कर दिया। दरअसल चोटी काटे जाने का ताजा मामला यूपी के मेनपुरी के थाना भोगाव क्षेत्र के जैतुलपुर गांव का है, जहां घर में अपनी दादी के साथ सो रही 15 वर्षीय खुशबू की चोटी काट दी गयी। वही जब खुशबू सुबह उठी तो यह देख वह परेशान हो गयी। दरअसल खुशबू की माँ की मृत्यु हो चुकी है और बिन माँ के बच्ची के साथ यह घटना पूरे परिवार को दहशत में डाल दिया है। पेश है मेनपुरी के सावंदा का आशीष सक्सेना की खास रिपोर्ट। हम सोए फिर मतलब वैसे भाई कैसे ये फिर क्या हुआ? फिर डराई है, फिर सोई गए हम। अब मंजानी की बर रात ही है, फिर सवेरा उठे खटिया रखे। फिर उसके बाद क्या हुआ? तो मैं कोई बीमार हुए, कोई दर्द दर्द पूरे शरीर में। मैं रात को सारे रोज सो रहे थे, रात में बाल कटे लड़की के। वो सुबह उठ के उनने बताए कि मेरे बाल कट गए, मैं सही है। तो सारा मोहल्ला डरने लगा। गांव में दहशत का माहौल बना हुआ है। हाँ, गांव में सारे लोग डर रहे हैं कि ऐसा हुआ है, ऐसे गांव में फिर हो सकता है। ऐसा पहले कभी हुआ? ऐसा कभी नहीं हुआ, ये पहली बार हुआ है। क्या हुआ इनके साथ? जिस रात में हम लोग 12-1 बजे तक तो जगते रहे। 12-1 बजे के बाद इनके बार काट ले। जो हम लोगों ने जानी नहीं, सुबह हम लोग सब जने घबरा गए। घबराने के बाद सब लोग इकट्ठे हो गए। मेरे बच्चे भी डरते हैं, बच्चे भी नहीं अकेले रहते हैं। गांव में दहशत का माहौल बना हुआ है, माहौल सब लोग डरते हैं इसी वजह से।